Should we not down? Well, in this movie there will be songs, so it'll be my first song will be about. मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विशाल भारद्वाज की कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा रोल। बहुत अच्छा काम है शबाना का भी और पंकज कपूर साहब का भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। चेयर अप तो वो बहुत हैं क्योंकि नॉमिनेटेड है ऑलरेडी। आई डोंट नीड टू चेयर अप। आई एम प्रीटी हैप्पी एज वेल बिकॉज बर्फी एंड ऑल्सो पान सिंह तोमर हैव गॉट नॉमिनेटेड, सो सब बहुत खुश हैं। You can't say there's so many good performances. Ranbir, Irfan, you know you've got so many really good actors. Priyanka, Vidya, they've all performed exceptionally well. So I hope it's a good night for everyone. हाँ मैं भी nominated हूँ, film भी nominated है, कई सारे categories में है। Nomination मिला है अच्छी बात है, एक अच्छा function है, एक अच्छी शाम है और एक अच्छा मौका मिला है अच्छे कपड़े पहन के आने के लिए। और shootout at बडाला का हमारा एक हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और इसके साथ पहला लुक भी दिखाया जाएगा। शुरुआत होगी स्पेशल 26 के साथ जो कि फरवरी में आ रही है, उसके बाद जिला गाजियाबाद भी फरवरी में आ रही है, उसके बाद में भाग मिल्खा भाग आएगी और फिर लुटेरा आएगी और फिर एक करण राव की फिल्म आएगी। साथ तो ऐसा कॉम्पिटिशन है कि कुछ भी सोचना बहुत मुश्किल है बिकॉज अगर आप बेस्ट हीरोइन सोचें तो मुझे प्रियंका, विद्या और करीना में बहुत टफ कॉम्पिटिशन लग रहा है। I think for me is a very exciting project. I'm extremely excited because it's releasing in 2 weeks, and I'm hoping next year when we're here at Screen Race 2 will be winning also a lot of awards. I want to win. You will win. You will win. I'm very happy. I'm very grateful, and we hope we win. मैं जाऊँ? कहानी। उनका पता नहीं एक्टर के लिए I know Ranbir and actress के लिए there'll be close fight with Priyanka and Vidya. हाँ सुना है, सोचा मैं 4 सिक्वल सोचे हैं बर्फी के, गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी। नॉमिनेशन है, एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक में है और डॉक्टर के लिए है, बर्फी के लिए है। Yeah, I also nominated, but me and one of my friends is nominated for Go Go Govinda and also for action. कोरियोग्राफी गो गोविंदा इस नाम की। मेरी फेवरेट फिल्म्स बर्फी और कहानी थी 2012 की, तो आई एम श्योर देयर विन लॉट्स ऑफ स्टार। बहुत बढ़िया अनुभव है, फिल्म करना अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव था और हम होप कर रहे थे कि फिल्म रिकॉग्नाइज हो और फिल्म एक्नॉलेज हो। जितनी मेहनत की है फिल्म के अंदर वो लोग और जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा सराहा लोगों। मेरे लिए एक बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं एक फैमिली फिल्म करूं फैमिली ऑडियंस के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह की फिल्म मिलेगी जो कि इतनी बड़ी जाएगी फैमिली ऑडियंस। अवार्ड डिपेंड करता है कि अवार्ड की क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर क्रेडिबिलिटी है तो मायने रखता है, नहीं है तो नहीं मायने। फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं, इसके लिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। फेवरेट इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त के फ्रेंड्स सब नॉमिनेट हुए, आलिया, सिद्धार्थ, वरुण और मेरा बेटा भी नॉमिनेट हुआ है। तो दिस ईयर इज द मोस्ट स्पेशल अवार्ड्स फॉर मी। मेरा माय सन इज नॉमिनेटेड दिस ईयर। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज कहानी हैज अबाउट 13 नॉमिनेशंस एंड लेट्स सी हाउ मेनी वी टेक बैक इंशाल्लाह अ लॉट। मैं ये नहीं कहूंगी कि शादी के बाद जिंदगी बदल गई है क्योंकि अब एक महीना भी नहीं हुआ, बदलाव अगर हो भी तो फिलहाल महसूस नहीं हो रहा है, पर जो भी है इट्स एक से दो होने में बड़ा मजा है। द टाइम ऑफ गॉडेस पावर, वुमेन आर गोइंग टू रेन सुप्रीम इन एवरी अवतार एट एवरी एज एंड स्टेज ऑफ देयर लाइफ, सो आई थिंक We just need to celebrate women now. Very happy और धन्यवाद कहना चाहूँगा रोहित और अजय को, उनकी वजह से मैं इस फिल्म में हूँ और उनकी वजह से और उनके डायरेक्शन और गाइडेंस की वजह से आज मुझे नॉमिनेशन मिला है। I'm just very happy to be here. You know, it's the first time in the history of our cinema that 9 films have grossed over 100 crores. It just goes to show that people are loving going to the movies. Nothing makes me happier. बहुत अच्छा मौसम है और आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, इससे बेहतर और क्या समा हो सकता है। It's been very good, amazing films, great talent. I'm particularly happy that there are youngsters who are doing such great work, and whether it's young actors, fresh talent, directors, writers, all very good. Very happy. So देने वालों की उदारता है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। Well, my favorite films, Gangs of Wasseypur, Barfi, think those are really good. English, Kahaani. I think we've had a really good year in cinema. I think there have been some wonderful films. And it's great to see when you look at the best picture nominations, there's some really interesting films there, so it's going to be really tough. जब मैं last year 12 महीने पहले आप लोगों से मिली थी तो आपने मुझे पूछा था कि आपकी पहली पिक्चर आई है और आपका डेब्यूटेंट अवार्ड है एंड एकदम 12 महीने के बाद मुझे सेकंड फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन है. बहुत अच्छा लग रहा है बट इस साल बहुत टफ कॉम्पिटिशन है. मेरी बहन है कैटेगरी में एंड विद्या मेरी जो दूसरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो भी है. आई होप दे विन. इस साल बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी ऐसी है कि मतलब जितने भी नॉमिनीज है कि किसी को भी अवार्ड मिलेगा तो सबको यही लगेगा अरे सब इक्वली डिजर्विंग है. मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग नॉमिनीज हैं. कोई कंपटीशन नहीं है. मैं तो चाहती हूँ मेरी बहन जीत जाए. रणबीर आई वांट रणबीर टू विन. हाँ, एक धर्मा फैंटम की फिल्म है सिड के साथ एंड एक शाद अली की फिल्म है अली एंड रणबीर के साथ. एक धर्मा फैंटम है, एक यशराज है. तो अच्छी पिक्चरें मैंने साइन किया. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे अवार्ड देना ना वरना सच में गोली मार दूंगी. 11 नॉमिनेशन है पान सिंह के तो लगता है कि कुछ तो मिलेंगे जरूर. स्पेशली पान सिंह तोमर जैसे पिक्चर बनाने के बाद जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है. तो पाए बहुत बेहतरीन फिल्म है और मैं इरफान तो शायद नॉमिनेटेड नहीं है उसके लिए लेकिन पूरी फिल्म में बहुत सारी नॉमिनेशन है. बहुत मजा आया सैफ के साथ काम करे. आई थिंक एवरी डायरेक्टर इन इंडिया शुड वर्क विद सैफ अली. जिंदगी बदल गई. मैं तो नहीं बदला हूँ. मैं तो वैसे ही. इसी का जो रवैया मेरे लिए है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है. तो मुझे खुशी इस चीज़ की है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर द मूवीज. सो आई रियली कांट से बिकॉज़ एवरीवन सो फैंटास्टिक. सो आई गेस लेट्स सी इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन. अब देखिए जो वाला डायलॉग आप सुनना चाहती हैं वही वाला बोलेंगे मगर पहले परमिशन ले लीजिए. फैबुलस एक्सपीरियंस था. 89 में मेरे साथ इमरान हाशमी, कल्पना और कुलकुना है. और नहीं मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आया हूँ. मैं अवार्ड लेने वालों के लिए ताली बजाने के लिए आया हूँ क्योंकि वो मौका मुझे नहीं मिलता. हर बार मुझे ताली बजाने का मौका ही नहीं मिलता. तो इस बार सोचा कि जिनको अवार्ड मिल रहा उनके लिए ताली बजाएंगे. इन अवार्ड्स हमेशा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे साल का. वेरी एक्साइटेड. मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्में हैं. बर्फी रिलीज हुई है इस साल. पान सिंह तोमर रिलीज हुई है इस साल. और भी बहुत सारी बहुत अच्छी फिल्में हैं. यश जी की फिल्म रिलीज हुई थी. सन ऑफ सरदार रिलीज हुई थी. बहुत सारी फिल्में हैं. एज यू नो हर साल करीबन 150 फिल्में रिलीज होती हैं. सो अप टू द बेस्ट. हमारी फिल्म आएगी रमजान ईद पे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. भाई खुशी होती है स्क्रीन का अवार्ड मिलता है और स्क्रीन से मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है. जब कॉलेज में थे तो 25 पैसे का मिलता था स्क्रीन तो हमेशा स्क्रीन खरीदा करता था. वासेपुर को बहुत सारे अवार्ड मिले. आई एम सो हैप्पी कि हमारे इंडियन कल्चर को दिखाती हुई फिल्मों को बहुत ज्यादा आजकल सराहा जा रहा है. और सिंगिंग का अवार्ड भी काफी डिफरेंट था. कैटेगरीज बहुत अलग अलग थे सिंगर्स के. सो आई एम रियली हैप्पी कि स्क्रीन हमेशा पहल करता है न्यू कमर्स को अपना बनाने में. मेरे फोटो को सीने से बहुत अच्छा है. बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं. बहुत अच्छे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. आई थिंक 2012 इज फैंटास्टिक. एज अर्लियर सेड इज द गोल्डन ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा. 100 years of Indian cinema and in fact every kind of film is working. Be it a small budget film or big budget film. I am a big Bollywood fan. बचपन से मैं फिल्में देखता आया हूँ. मुझे भागना है पेड़ों के पीछे. मुझे भागना है. मुझे रोमांस करना है. एंड वाई नॉट म्यूजिक फिल्म करनी चाहिए.